संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली ऑफलाइन मोड की परीक्षा शनिवार को शहर के 39 केंद्रों पर आयोजित हुई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 18,300 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षार्थियों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा को करवाया गया है। परीक्षा हाल में सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। सभी छात्रों ने मास्क लगाकर पेपर दिया। पेपर बहुत अच्छा आया था और बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है रिजल्ट घोषित होने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने कहा। आज जो है पढ़ा वैसे मीडियम निखिल सिंह पॉलिटेक्निक का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पेपर कैसा? इजी। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? पेपर देकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। निकल जाएगा? जी। रोशनी पर हुआ, किस चीज़ का पेपर हुआ? पॉलिटेक्निक का। पेपर कैसे हैं आपके? अच्छा था, ठीक था, नॉर्मल था। क्या उम्मीद है, निकल जाएगा? हाँ। सुनील निषाद। आज किस विषय का पेपर? पॉलिटेक्निक का पेपर था। पेपर कैसा है आपका? पेपर अच्छा था। क्या उम्मीद है, लग रहा निकल जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है, पूरा निकल जाएगा। इससे पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? नहीं, पहली बार दिए हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम। रजनी प्रिया, पॉलिटेक्निक ग्रुप ए का। पेपर कैसा आता? अच्छा है। कोरोना काल को देखते हुए क्या व्यवस्था थी? अच्छी थी। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, निकल जाएगा? हाँ। प्रतीक्षा राजवंत सर, पॉलिटेक्निक। पेपर कैसा आया था? बहुत अच्छा पेपर था। कोरोना के देखते हुए परीक्षा में क्या क्या व्यवस्था थी? परीक्षा में सैनिटाइजर की व्यवस्था थी और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग थी, यही अच्छी व्यवस्था थी। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है? पॉलिटेक्निक का जी? नहीं, एग्ज़ाम तो नहीं दिया, पर ऐसे बहुत एग्जाम्स दिए हैं, पर ऐसे यहाँ की व्यवस्था अच्छी थी। क्या लग रहा है, निकल जाएगा पेपर? पेपर तो अच्छा निकलेगा, यही लग रहा है।